पाकिस्तान में इंडियन टेलीविजन कंटेंट बंद कर दिया गया है, ट्वीट आया था, प्लस सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आया हुआ है, क्योंकि कल्चर पे इफेक्ट पड़ रहा है, क्या मानते हैं इस बारे में? कुछ नहीं, उनका कॉल है, उनका देश है, उनका ये बोलना कि कल्चर पे, उनके कल्चर पे इफेक्ट पड़ रहा है इंडियन टेलीविजन की वजह से। देखिए, इतनी दूर यहाँ बैठ के कुछ राय देना, बस राय देने के लिए, वो भी सही बात नहीं होती है। वो अपने देश के उद्धार के लिए कुछ कर रहे हैं, अगर उनको जो ठीक लगता है वो डिसीजंस लें, उनके सिविलियंस के हक में जो उनको लगता है जो भी डिसीजन सही है वो लें, और बाकी राय तो उनकी सिविलियंस की लेना ज़रूरी है, हम क्या बैठे बैठे यहाँ बोल रहे हैं। देखिए कि आपको लगता है कि मतलब हमारे जो इंडियन कंटेंट जो है वो इतना मतलब ऐसा है कि मतलब कि वो किसी कल्चर को चेक करना पड़ता है? मुझे ऐसा लगता है इंडियन कंटेंट महान कंटेंट है, बहुत सही कंटेंट है, और असली कहानियाँ जताते हैं हम जो इस देश में होता है, जो इन परिवारों के यहाँ के जो परिवार हैं। और ऐसे नहीं कि हम पहले एक दौर था जब बाहर की कहानियाँ ज़्यादा बताते थे, अब चाहे वो यूपी की कहानी हो या हिंटरलैंड की जो कहानी होती है, चाहे महाराष्ट्र की हो, चाहे कश्मीर की हो, चाहे साउथ की हो, हिंटरलैंड की कहानियाँ बाहर आ रही हैं, हिंटरलैंड के कैरेक्टर्स बाहर आ रहे हैं, और रिलेटेबल रियल कैरेक्टर्स बाहर आ रहे हैं, लोग रिलेट कर रहे हैं कि हाँ यार, ये तो मेरे मोहल्ले की कहानी है, ये मेरे देश की कहानी है। तो मुझे लग रहा है हम एज अ सिनेमा, सिर्फ हिंदी सिनेमा ही नहीं, रीजनल सिनेमा को भी बहुत पावर मिल रहा है, और टुगेदर इस देश का सिनेमा बहुत सही तरीके से आगे बढ़ रहा है। या भी आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी, मैं तो हिस्सा हूँ इस फ्रेटर्निटी का, मैं यहाँ काम करती हूँ, दिस इज़ माय, जिसे हिंदी में बोलते हैं कर्म भूमि है, तो आई वर्शिप इट, आई रिस्पेक्ट इट अ लॉट, और आई थिंक जैसे विकी ने कहा, ऑफ कोर्स बहुत अच्छा काम हो रहा है, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आई फील वेरी ब्लेस्ड टू बी अ पार्ट ऑफ सच अ फिल्म कॉल्ड उरी, जिस चीज़ को हम डिफाइन करते हैं कि एक अच्छा कॉन्टेंट, एक अच्छा सब्जेक्ट, एक ऑनेस्ट अटेम्प्ट, और एक सेंस ऑफ पर्पस के साथ एक फिल्म, जो चाहे हमारा कल्चर हो, चाहे हमारा वर्क कल्चर हो, चाहे हमारी इंडियन आर्मी है जो कोर है हमारे देश का, उन्हें दर्शाता है। सो आई थिंक दिस इज़ इन फैक्ट रादर वेरी वेरी गुड टाइम, एंड दिस क्वेश्चन आई फील इज़ रिगार्डलेस एंड इरिस्पेक्टिव ऑफ एनीबडी, एनी कंट्री फील्स फॉर वट एवर दे फील इज द बेस्ट वर्क फॉर देयर कंट्री। देखिए, अच्छा तो बहुत लगता है जब इतना प्यार मिलता है, अब इस फिल्म के लिए भी मिलना शुरू हुआ है तो अच्छा लगता है। एज एन एक्टर बहुत प्रोत्साहन मिलता है कि यार आप और मेहनत करते रहो, सेलिब्रेशन ज़रूर होगी पर अभी थोड़ी देर रुक के होगी, पहले ही दिन इतनी जल्दी सेलिब्रेशन करना बहुत जल्दी हो जाएगा, बट हाँ ये वीकेंड हम देख लेंगे एंड देन इस हफ्ते अगले हफ्ते देखेंगे, साथ में मिलजुल कर कुछ कर लेंगे। थैंक यू सो मच। यार दिस पॉपकॉर्न्स आर अमेजिंग यार, रिकॉर्ड कर लो। Subscribe to Biscuit TV and press the bell icon on your YouTube app and never miss another Bollywood update from Biscuit TV.